जो लता है वो धीरे धीरे लता मतलब हमारे जो भाव हमारा भाव को ही लता बताया। ये भाव बढ़ते 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 कहाँ तक जाता है, गोलोक वृंदावन तक जाता है। मतलब हम लोग जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो ये महामंत्र को जप करते हैं और हम लोग जो गोपाल मंत्र हमें जो मिला है उसमें गोपी जन बल्लभाय को, मतलब हम कैसे भक्ति चाहते हैं, ये गोपियाँ जैसे कृष्ण को भक्ति है, गोपियाँ जैसे भक्ति की, बल्कि इनकी भक्ति में क्या विशेषता है, इनकी भक्ति में क्या विशेषता है उसमें बताए। कहते ब्रज में विशेष करके तीन रस वहाँ पर मुख्य है, एक है सख्य रस और एक है वात्सल्य रस और एक है मधुर रस। कहते वहाँ पर तीन जो रस है वहाँ पर मुख्य रस में, इसलिए गोलोक वृंदावन में कृष्ण को कोई भगवान मानते हैं, बस सब कोई मानते हैं। जो सखा लोग कहते तुम तो हमारे दोस्त हो, वो तो हमारे दोस्त हो, उसको साथ में कंधे में चढ़ाते हैं, कंधे में चढ़ाते हैं, कभी पछाड़ देते हैं, कृष्ण कभी जूठा खाते हैं, लेकिन उसको ऊपर में वात्सल्य रस है। कहते शांत रस में वहाँ पर केवल निष्ठा है, पांच जो रस है शांत रस में निष्ठा है, उसको ऊपर जो दास्य रस है वो सेवा की भावना है, लेकिन उसको ऊपर में जो सत्य भाव है वहाँ पर बराबर है, और उसको ऊपर में जो वात्सल्य रस है कहते वहाँ पर तारण मत्स्य है, मैया जशोदा जैसे कृष्ण जैसे मिट्टी खा ली है, मिट्टी खा ली भैया, बोले तुमने मिट्टी खाई कन्हैया है, मिट्टी तो मैंने खाई, बोले नहीं भैया, बोले ये सखा लोगों को बोल रहे, बोले झूठे बोल रहे थे, झूठे बोल रहे हैं, ये अपना अपना घर से लड्डू कचौड़ी मांगवा कर चोरी चोरी करके लाते हैं और मैं तो कहते खा भैया तेरे को पता मैं चोरी का चीज खाता नहीं करता, बोले मेरे को अच्छे तरह से पता तो क्या करता नहीं करता, इसलिए मेरे को जोर जबरदस्ती की, अरे नहीं खाए तो अरे मैं चुगली को समझ गए इधर खाया नहीं घर में चुगली करेगा, इसलिए मैं चुगली करने से पहले हमारे नाम पर यही चुगली करती और इनकी बात में तो बड़ी जल्दी आ जाती है। इसलिए वहाँ पर भैया कृष्ण को तारण भर्षण करती है, तारण भर्षण करती है, उसको शासन करती है, क्यों, यहाँ पर भक्त हो गए बड़े और भगवान हो गए छोटे, ये मेरे लाला है, अगर मैं नहीं देखूंगी तो फिर उनको कौन देखेगा, इसलिए भैया रिश्ता उनकी कल्याण से चिंता करती है, कृष्णा की हेल्थ कैसे सही रहे, बड़े हाँ कृष्ण कैसे बढ़े, पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया करे, इसलिए वहाँ पर भक्त हो जाता है बड़े और भगवान हो जाते हैं छोटे। लेकिन उसको ऊपर जो सेवा है ना संपूर्ण शरीर दे करके गोपियाँ सेवा करती हैं, हाँ गोपियाँ सेवा करती हैं, फिर जो श्रृंगार रस मतलब जो गोपियों की भावना जो प्रिय प्रिया की जो भावना सर्वश्रेष्ठ। देखो किसी जगत में देखो जब तक एक बेटा शादी नहीं होता है उसका बहुत याद व्यस्त रहता है, पिता माता के प्रति भावना भक्ति श्रद्धा रहती है, समझे ना, घर में जब बीवी आ जाए पत्नी आ जाए वो धीरे धीरे दोस्त भी दूर हो जाते, धीरे धीरे दोस्त भी दूर हो जाते, पिता माता भी दूर हो जाते धीरे धीरे, क्यों, कहते एक पत्नी को अंदर में ही सहाय भावना, उसकी अंदर में एक दासी की भावना, उनका कपड़ा को प्रेस करना, कपड़ा धुलाई करना, रोजी बना कर खिलाना है, जैसे एक दासी सेवा करती है पत्नी की दासी की सेवा करती है, उसके अंदर में सख्य भावना है, जैसे कि यार दोस्तों साथ में बैठ कर गप्पे मारना बात करना, पत्नी को साथ में भी जैसे वो सख्य भाव से पत्नी को साथ में भी वो सख्य रूप में बात करना है, मन खोल कर बनना उसके साथ में हंसी दिलई करना, और इन जो माँ की जो भावना है यद्यपि श्रृंगार रस से वात्सल्य रस को विरोध बताया है, लेकिन जैसे कि माँ बच्चे को खिलाना पिलाना उसके लिए कपड़ा धुला करना देखना पत्नी भी किसको करती है, और ये स्त्री की जो एक भाव है वो तो पत्नी के अंदर में है, जो स्त्री की एक भावना है वो पति को पत्नी के अंदर में है ही है, इसलिए आप देखना धीरे धीरे दोस्त दूर हो जाते हैं, अगर कभी घर में लड़ाई झगड़ा पिता माता से हो जाए ना, अरे पति पत्नी पति किसको लेकर अलग हो जाते हैं, अपना पत्नी को लेकर, बोले क्यों, जो पिता माता उसको गर्भ में धारण किया जन्म दिया लिखाया पढ़ाया बड़ा किया है, बड़ा उसको इतने बड़े लिखाई पढ़ाई सब कुछ किया, लेकिन
पत्नी से ऐसे क्या मिला, सबको वो दूर करके पत्नी को साथ क्यों रहने लगा, कि वो संपूर्ण रूप में जो सेवा की जो भावना है ना, ये पत्नी को अंदर में की एक ऐसी भावना है, ऐसे एक भावना है जो पत्नी को पा देने को सारा दुनिया को भूल बैठता है, सारा दुनिया को भूल जाता है। इसलिए जो गोपियों के अंदर में जो श्रृंगार रस की जो भावना है, इसलिए संपूर्ण रूप में जो कृष्ण की सेवा है, इन लोगों ने ही संपूर्ण रूप में उनकी निकुंज का सेवा, फूल की सेवा, उनके लिए रोसे वरना कृष्ण के लिए, उनके लिए बिस्तरा सजाना, कृष्ण सब कुछ ये सब कुछ करते हैं। इसलिए हम लोग जो मंत्र जप करते हैं ना, उसमें गोपी जन का नाम आता है, मतलब हम कैसे भक्ति चाहते हैं कि गोपियाँ जैसे भगवान को भक्ति करती हैं, हम ऐसे ही भक्ति, हम ऐसे भक्ति करना चाहते हैं। इसलिए मतलब ये भावना बढ़ते 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 कहाँ तक पहुँचता है, बोलो वृंदावन जा करके राधा कृष्ण का चरण को भी आश्रय करते हैं। हाँ, हमारे जो बड़े गुरु जी हुए एक बात कहते थे, वो कहते थे जैसे एक पेड़ लता है, अभी लता में जो पानी है वो जैसे पानी दोगे ना आप देखना वो वृक्ष वैसे बनेगा। अगर वृक्ष में अगर तुमने नमकीन पानी दे दिया फिर देखना वो लता नहीं बढ़ेगी, वो खराब हो जाएगी अगर नमकीन पानी दे दिया। अगर उसमें बढ़िया मीठा पानी दिया फिर पेड़ बहुत बढ़िया बनेगा, और उसमें सुंदर खाद दे दिया और बढ़िया बनेगा, बोलता और बहुत बढ़िया बढ़ेंगे। गुरुदेव कहते जैसे पानी मीठा पानी तो मीठा है लेकिन उसमें थोड़ी चीनी डाल मिश्री डाल दो और भी बढ़िया, नींबू डाल दो और बढ़िया है और बढ़िया हो जाएगी। फिर उसी तरह गुरुदेव कहते थे अभी लता तो गुरुदेव ने दिया है भावना, अभी जैसे भक्तों का हम संग करेंगे ना हमारी भावना वैसे बढ़ेगी। जैसे अगर नारायण भक्तों का संग हो गया तो फिर तुम्हारी भक्ति लता कहाँ तक जाएगी, बोले वैकुंठ तक जाएगी, उसको आगे नहीं जाएगी। क्यों, तुम जो संग कर रहे हो क्या, किसका संग कर रहे हो, जो वैकुंठ के जो भक्तों का संग कर रहे हो, तुम्हारी भावना बढ़ते बढ़ते वो दास्य रस की महिमा गाएंगे। वैकुंठ में कैसे ऐश्वर्य लक्ष्मी कैसे सेवा करती है, वहाँ पर नंदा सुनंदा कैसे कैसे सेवा करती, वहाँ पर है कैसे जय विजय कैसे सेवा कर रहे हैं, अगर उसकी कथा सुनेंगे तो तुम्हारी भाव वैकुंठ में जाएगी। लेकिन जो अयोध्या में और हनुमान की संग हो गया तुम्हें हनुमान जी की, नहीं तो किसी राम भक्त का संग हो गया वो राम की महिमा गाएंगे, हनुमान कैसे सेवा करती है, बोले राधा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देव की सुदर्शन चक्र की। इसलिए कहते अयोध्या जैसे अगर भक्ति करो कथा सुनोगे है, अगर राम सीता की महिमा सुनोगे फिर क्या अगर उनको ऐसे तुम कथा सुनोगे तुम्हारी भावना कहाँ करी जाएगी, और अयोध्या करी जाएगी, फिर तुम्हारी मन में लालसा भरी हनुमान जी से सेवा करते हैं ना, हम भी ऐसे भगवान की सेवा। इसलिए हनुमान जी कहते हैं मैं सेवक रघुपति पति मोरे है, कहते मैं सेवक, कहते मैं कौन हूँ, कहते मैं सेवक हूँ और रघुपति ठीक है कथा सुन करते। इसलिए कहते हैं रघुपति मतलब राम कौन है, मतलब मेरे पति है, मैं सेवक हूँ। इसलिए कि तब भी स्वप्न में भी ये भाव मेरे से दूर नहीं हो, हर समय में प्रभु की दास्य रस में सेवा करना चाहता हूँ। अगर ऐसे भक्तों का संग करोगे तो तुम्हारी भक्ति फिर तो दास्य रस तक जाएगी, हाँ अयोध्या भाव तक जाएगी, उसको ऊपर और भाव नहीं जाएगी है। अगर तुम फिर द्वारका के जो परिकर है भगवान को द्वारकाधीश रूप में जो उपासना करते, कृष्ण भगवान है, द्वारका का नाथ है, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का ये मालिक है, अगर ऐसे भक्तों का तरफ संग करोगे फिर तुम्हारी भावना कौन करेगी, फिर मथुरा के भक्तों का संग करोगे फिर तुम्हारी भावना मथुरा तक जाएगी। अगर वृंदावन के भक्तों का संग करोगे तो वृंदावन भक्तों का संग करोगे तो फिर कथा सुनते 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 ना तुम्हारी जो भावना है तुम्हारी जो भावना है फिर तो वृंदावन से भी पहुँच है, उसमें भी सख्य बात से मधुर है। अगर सख्य भक्तों का संग करोगे तो सख्य भाव कर जाएगी,
बात्सल्य रस का भक्त कर पद बात्सल्य रस का अगर श्रृंगार रस का भक्त का सफर कर दे तो तुम्हारी भक्ति श्रृंगार रस पर जाएगी। अगर श्रृंगार रस में भी वहाँ पर भी दो है, एक सुखिया और एक करकिया है। सुखिया मतलब होता है भगवान को जैसे राधा कृष्ण जैसे उनकी राधा कृष्ण, सुखिया मतलब होता है जैसे शादी होने का बाद जैसे प्रेम है, पर क्या होता है बगैर शादी के जो प्रेम है राधा कृष्ण जैसे स्वाभाविक रूप में एक दूसरे के प्रति उनको आकर्षण है, अगर ऐसे भक्तों का संग करोगे तो तुम्हारी भक्ति पर ऐसे है ऐसे भावना जाए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं हम तो यहीं पर बैठ करके क्या कर रहे हैं, लता में पानी दे रहे हैं, लता में पानी दे रहे हैं। पानी देना मतलब क्या है, हम ऐसे ही कथा सुन रहे हैं, ऐसे ही भजन कर रहे हैं, ऐसे ही हम भक्ति कर रहे हैं। गुरुदेव एक समय कथा एक कथा सुनाए, हम कैसे भक्तों का संग करने चाहिए। बोले कोई एक साधु था, वो भजन करता था राधा रानी को, जब राधा रानी की स्मरण करता था उसके हृदय में राधा रानी के प्रति तो भावना, भजन करते तो राधा जी की अनुभूति आ गई, बड़ी मस्त से राधा जी के चरण में अपना मन को डुबो देता था, बड़ा आनंद आता था राधा रानी भक्ति करने। एक दिन मन में इच्छा हुई थोड़ी द्वारका घूम करके आए, फिर सोच रहा है अरे जब राधा कुंड में रह रहे हैं द्वारका जाने का क्या जरूरत है, यहीं पर सब कुछ राधा के चरण। फिर मन में इच्छा होती थी एक बार घूम करके आए, किसी ब्रजवासी ने कहा बोले बाबा बाबा मैं द्वारका जाना चाह रहा हूँ लेकिन कोई संगी नहीं मिल रही, चलोगे? बोले हाँ मेरे मन में भी तभी इच्छा हुई थी। बोले चलो ना। बोले अभी कोई इच्छा नहीं। बोले अरे चलो खर्चा पानी के लिए कोई चिंता मत करो, खर्चा पानी सब कुछ मैं बंद करूंगा, चल एक बार घूम करके आओ। बोले भैया जो खर्चा पानी मिल रहा है तो गए द्वारका में भगवान को दर्शन किया, लेकिन वहां पर जाकर के एक छाप होता है शंकर चक्र गदा पद्म, उसको तपा करके उसको छाप लगा देते हैं, लेकिन ये जो शंकर चक्र गदा पद्म चिन्ह है तभी ये बैकुंठ लगा चिन्ह भगवान का। उनने जब छाप लगा करके आए और राधा कुंड में बैठ करके भजन करने के लिए कोशिश की और उसका मन ही नहीं लग रहा और राधा जी के चरण में और मन लग ही नहीं रहा है, उन्होंने बहुत कोशिश की राधा जी के चरण में मन लगाने के लिए लेकिन मन और लग नहीं रहा है, बड़े छटपटाने लग गए। बोले प्रभु क्या हो गया, मन क्यों नहीं लग रहा है आपका चरण में? इतने में आकाशवाणी हुई इसी जीवन में और मेरी कृपा तुम्हें नहीं हुई। बोले मेरी चरण में क्या अभाव था, तू ये मेरी चरण छोड़कर भी द्वारका गए, द्वारका गया तो गया कोई बात नहीं, लेकिन वहां से तुमने ये छाप लगा कर क्या किया, तुमने ये छाप लगा कर क्या किया, इसी जीवन में मेरी और कृपा नहीं हुई। फिर तुमने बोले जब राधा रानी की कृपा नहीं हुई फिर शरीर देख करके क्या लाभ है। फिर उन्होंने बैठ करके अपना शरीर से उन्हें जुगाड़ को उन्होंने निकाल करके उसका अंदर भी उन्होंने अपना शरीर को उन्होंने आउट कर दिया। इसका मतलब है गुरुदेव ये कथा सुनाते हुए कहते थे देखो ये जो कान रूपी गोना सबको मत दिया करो, सबको मत दिया करो, दोगे तो जैसे संग वैसे रंग, वैसे संग वैसे रंग। अगर तुम ऐसे कनिष्ठ भक्तों का संग नहीं करोगे फिर आज इसको पूजा कर लोगे कल उसी देवी के पास में, नहीं तो उसी देवता के पास में चले जाओगे, मैं यहाँ पर नहीं वहाँ पर कोई झाड़ फूंका कर रहे हैं चलो उसको चले हो गया पहले भक्ति। इसलिए यहीं पर वो बैठ बैठ करके कथा सुनता रहता है भगवान की, ऐसी कथा सुनता है ऐसे जैसे कथा सुनोगे वैसे ही भाव होगी, बस यहीं बैठ कर कथा सुनता है पानी देता है और वो भाव बढ़ते 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 कहाँ चली जाती है, गोलोक वृंदावन तक चली जाती है और ठाकुर का चरण को आश्रय करते हुए बस बैठ बैठ करके जिसमें कोई चिंता नहीं दुखी नहीं जिसमें केवल रसी रस है राधा कृष्ण की जो जुगल रस की प्रेम को वो आस्वादन करता है। इसलिए श्री नर्तन दास ठाकुर कहते हैं राधा कृष्ण प्राण जुगल I'm not a
एक स्वरूप दामोदर, एक श्री जगदानंद पंडित, एक सनातन गोस्वामी। एक दिन जगदानंद पंडित ने सनातन गोस्वामी को कुछ उपदेश दे दिया। महाप्रभु सुनकर तो बड़ा क्रोध होता है, बोले कल का तुम जगा हो, कल के तुम सनातन गोस्वामी कहाँ प्राइम मिनिस्टर थे, कहाँ लवंग मंजरी है, कहाँ नित्यस्थ, और तुम इनको तुम उपदेश दे रहे हो, हैं खबरदार इनको उपदेश नहीं देना। लेकिन उन्होंने सनातन गोस्वामी को थोड़ी सी मीठी मीठी प्रशंसा कर दी, उनको सनातन गोस्वामी को थोड़ी सी उन्होंने प्रशंसा कर दी। देखो सनातन गोस्वामी क्या कह रहे हैं, बोले प्रभु आप तो मेरे को नीम रस पिला रहे हो और जगदानंद पंडित को तो अमृत पिला रहे हो। बोले क्यों प्रशंसा कर रहे हैं उनको, वो कह रहे हैं हमें नीम रस पिला रहे हो और शासन कर रहे हैं जगदानंद पंडित को, कहते आप तो अमृत पिला रहे हैं। बोले क्यों, बोले शासन किसको करते हैं, सबको शासन नहीं करते हैं। पिता माता बाहर किसी बच्चे को जाकर शासन नहीं करेगा, करेगा तो अपना बच्चे को शासन करेगा, अपना बच्चे को बाहर किसी बच्चे को शासन नहीं करेगा, वो अपना बच्चे को ही वो शासन करते हैं। इसलिए कहते गुरु वैष्णव अगर कभी हमें शासन करे, वो अपना जिसको मानते हैं उससे ही शासन करेगा, वो बाहर बच्चे को जाकर के शासन नहीं करेगा। और जो भक्ति जगत में जो शासन है ज्यादा महत्व, प्रशंसा ज्यादा महत्व नहीं, प्रशंसा। इसलिए सनातन गोस्वामी कह रहे हैं आप तो मेरे को नीम रस पिला रहे हो, प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन शासन क्या कि इसको जगदानंद पंडित को, बोले आप तो उसको अमृत पिला रहे हो। बोले क्यों, बोले आप मेरे को प्रशंसा कर रहे हो, सनातन ऐसे सनातन ऐसे सनातन ऐसे। हाँ बोले प्रभु नहीं, आप मेरे को अपना नहीं मान रहे, इसलिए मेरे को आप प्रशंसा कर रहे हो, उसको आप अपना मान रहे हो इसलिए उनको तुम शासन करते हो। इसलिए यहाँ पर अगर गुरु वैष्णव कोई चीज की शासन करते हैं, वो चीज को अपना कल्याण समझ करके उसको जीवन में ग्रहण करनी चाहिए। और जिसको जितने शासन मिला, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं बोले ऐसे कब दिन आएगा मेरे गुरुदेव मेरे को शासन करेगी, राधा रानी मेरे को शासन करेगी। हैं करे कैसे उदाहरण देते हैं, कभी कभी श्री नरोत्तम दास ठाकुर चरण में नुपुर पहन करके, नुपुर पहन करके जब चलते हैं ना तो छमछम छमछम आवाज होती है। इतने में श्री रूप मंजर उनको शासन किया, बोले अभी जुगल सरकार विश्राम कर रहे हैं और तू पैर में नुपुर पहनकर छमछम छमछम करके चल रहे हो, अभी आवाज सुनेगा तो राधा कृष्ण की नींद खराब हो जाएगी ना, खबरदार पैर में नुपुर आवाज आवाज को मत करवाया करो, आवाज ऐसे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जुगल सरकार की इनकी नींद इनकी खराब हो जाएगी। तब नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कब ऐसे दिन आएगा जो कि मंजरी सखियां मेरे को शासन करेगी, क्योंकि शासन में ही कल्याण है, प्रशंसा में कोई कल्याण नहीं। कोई हमारे अभिमंत्री के जो आचार्य है भक्ति रंजन सागर महाराज, कभी गुरु जी डंडे से उनको पिटाई किया था, कभी उन्होंने इधर उधर कुछ किया डंडे से हमारे गुरुदेव पिटाई किया था। वो कभी कभी कहते हैं गुरुदेव ने मेरे को डंडे से पिटाई किया था इसलिए आज मैं आचार्य हूँ, वो कहते हैं आज मैं आचार्य हूँ। क्यों, गुरुदेव ने मेरे को शासन किया, डंडे से मारे, डंडे से किसको मारेंगे, जिसको अपना बेटा मानते उसको डंडे से मारेंगे। हैं एक दिन गुरुदेव मेरे को भी बड़े शासन किया, इतने कभी थप्पड़ भी मेरे को मारे गुरुदेव। हैं इसलिए मतलब भक्त नारायण गोस्वामी मार मेरे के थप्पड़ भी मारते गए, और एक बार कभी उन्होंने बड़ी जोर से सभी को सामने इतने बुरी तरह से मेरे को शासन किया, उन्होंने एक दिन बलदेव विद्याभूषण प्रभु का जीवन आया मतलब उनका जन्मतिथि, सबको सबको बोले खड़े किए, गुरुदेव बोलते थे देखो पहले जो व्यक्ति बोल देता है एक बार उसको रिपीटेशन नहीं करना, कोई नया सिद्धांत को बताओ। अभी मेरे को खड़े किए, मैंने कहा गुरुदेव मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी दो तीन व्यक्ति बोल चुके हैं, गुरुदेव बोलते थे पहला पॉइंट को टच नहीं करना, नया बताओ, वो पहले तो सब बोल दिया हम क्या बोलेंगे। गुरुदेव इतनी सभी को सामने इतनी शासन में लोग किया, बोले पिताजी की सेवा नहीं किया, मैया की सेवा नहीं किया, उनको धोखे दे करके भजन के लिए तू आया, भजन की बहाना बना करके आया और यहाँ आकर के खाने सोने के लिए यहाँ पर आया, घर में तेरे खाना सोना नहीं मिलता था, गुरुदेव ऐसे बोले खाना सोना नहीं मिलता था, यहाँ पर गुरु वैष्णव को धोखे दे रहे हो तुम, यहाँ का कर हैं गुरु वैष्णव की धोखे दे रहे हो, मेरे को ऐसे पूरी तरह से सभी को सामने अकेले बोल दिया तो कोई बात नहीं, सभी को सामने
जिनने शासन किया मेरे को, जब से शासन किया ना, मैं तब से सुधर गया, मैं तब से सुधर गया। क्योंकि जब गुरुदेव सबके सामने मेरे कैसे बताए, अभी जब कोई गुरुवर्ग कोई तिथि आए ना, मैं 15 दिन 20 दिन पहले पंचांग को देखता था, कौन सा गुरुवर्ग का तिथि, अगर गुरुदेव खड़े किए तो बोल नहीं पाऊंगा। ऐसे करते करते लास्ट में मैं इतने बढ़िया बना शासन से, कोई भी तिथि आता था गुरुदेव सबसे पहले मेरे खड़े करते थे, सबसे पहले मेरे को खड़े करते थे। कोई भी जब विदेशी लोग आए, सबसे पहले मेरे को गुरुदेव कोई स्थान पर मेरे को खड़े करते थे और मेरी कथा को ट्रांसलेशन गुरुदेव करवाया करते थे। मैं देखा गुरु वैष्णव का जो शासन है वो कितने कल्याणदायी, गुरु वैष्णव का शासन कितने कल्याणदायी। लेकिन हम क्या चाहते हैं, नहीं गुरु वैष्णव सभी को सामने हमें केवल प्रशंसा करे, हमारे नहीं, प्रशंसा ही जहर है, प्रशंसा जहर है। इसलिए शासन, इसलिए हमारे श्री सूरदास जी कहते हैं, बोले निंदु को नियर राखिए, जो निंदा करने वाले उसको पास में रखा करो, प्रशंसा करने वाले को दूर भगाओ। बोले क्यों, बोले हमारे अंदर में जो गलती है, अगर कोई गलती को दिखाता है ये हमारी कल्याण सोचता है, हमें जो प्रशंसा करता है वो कल्याण नहीं सोचता, हमें गड्ढे में काट, गड्ढे में वो डाल रहे हैं हमें, जो हमारे गलती को दिखाते हैं उसको मानने से ये हमारी मित्र है। क्योंकि हम बद्ध जीव है, बद्ध जीव होने का नाते हमारा गलती करना स्वभाव है, जन्म जन्मांतर से गलती किया तभी तो भटक रहे हैं संसार में, है? तभी तो संसार में भटक रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अभी ये चीज बढ़ते बढ़ते कहा, लेकिन बीच में अपराध अगर हो जाए, वैष्णव अपराध गुरु अवज्ञा अगर हो जाती है, कहते भक्ति लता फिर उन पर बंद हो जाती और आगे बढ़ती नहीं, वैष्णव हो जाती है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं इसी विषय पर हमें ध्यान रखनी चाहिए। केवल इतना नहीं, उसका अंदर में और भी बहुत कुछ बात है। बोले क्या क्या उसमें है, ताते माली जत्न करी करे आवरण, अपराध हस्तिर चैचे ना है उद्गम। माली मतलब है हम लोग जो साधक है, हमारी हृदय खेती खेती है, इसमें गुरुदेव ने बीज दिए, हम हो गए माली। तो माली क्या करता है, ताते माली जत्न करी करे आवरण, माली क्या करता है, जत्न करके जहां पर वो बीज को बोए चारों तरफ में बाड़ लगा देता है। जैसे कोई बकरी गैया आकर के वो लता को खा नहीं जाए, हाँ, इसलिए जतन करके उसको आवरण करते हैं, करके अपराध हस्तिर जय से ना है उद्गम। जैसे कभी भी किसी की चरण में हमारे अपराध नहीं बन जाए, सावधान भक्ति जगत में चलनी चाहिए। इसलिए उपनिषद कहता है खुरस धारा निशीत दुरतया दुर्गम पथस्तत कवयो बदंती। कभी लोग कहते हैं जो भक्ति मार्ग है, ये जैसे खूर का धार होता है ना, थोड़ी अगर इधर उधर हो जाए कट जाएगी, हैं, बोले खूर का धार जैसे, इसलिए सावधान होकर के दुर्गम पथस्तत कवयो बदंती। कभी लोग कहते जो भक्ति का मार्ग बड़े दुर्गम रास्ता है, कोटि कंट करुधव करोड़ों करोड़ों कांटा चुपते हैं, है? इसलिए हर समय साधु सावधान, सावधान करे साधु, सावधान सावधान हो जाओ। मैंने साधु को सावधान क्यों कर रहे, हाँ भजन कर रहे हो ना, इसलिए भक्ति मार्ग में चल रहे हो, सावधान होकर के भक्ति मार्ग में सावधान होकर के चलो। इसलिए अपराध हस्त्र जैसे ना है उद्गम, जैसे अपराध रूपी हाथी जैसे बीच में नहीं आ जाए। किंतु यदि लतार संग उठे उपशाखा भुक्ति मुक्ति बांछा जो तो असंख्य तार शाखा। कल हम लोग सुन रहे थे ना, कभी पेड़ पौधा लगाया हो, कभी मिट्टी में पेड़ लगाए हो कभी, अब देखना जब उसमें पेड़ लगाते हो, देखना वो पेड़ का आसपास में कुछ और भी लता निकल आती है, पेड़ पौधा है। माली क्या करता है, वो दूसरे दूसरे पेड़ को उखाड़ देती है, फिर जाकर के मूल लता को जाकर के सार मिलेगा, नहीं तो क्या होगा, वो दूसरे दूसरे पेड़ सब कुछ खींच लेगी और मेन वृक्षों को नहीं मिलेगी। कहते वो क्या चीज है, कहते भुक्ति मुक्ति बांछा जब तो असंख्य तार लिखा। बहुत सारी चीजें, एक भुक्ति, भुक्ति मतलब होता है भोग करने की इच्छा है, इसलिए भोग करने का इच्छा, संसार को भोग करने का इच्छा। बोले मुक्ति,
मुक्ति मतलब है जो लोग चाहते हैं भैया जब तक संसार में आओगे तब तक दुख कष्ट मिलेगा, इसलिए ये सत्ता को क्या करो ब्रह्म ज्योति में लीन कर दो, बांस न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इसलिए वो चाहते हैं वो ब्रह्म ज्योति, बोले नहीं ये भक्ति का सबसे बड़ी बाधा है, इसलिए बोले भुक्ति मुक्ति स्प्रिया पिशाची जावत हृदय वर्तते, जब तक तुम्हारे हृदय में भुक्ति और मुक्ति रूपी पिशाच रूपी स्प्रिया रहेगा तब तक तुम्हारी भक्ति आगे बढ़ नहीं सकती है। भुक्ति मुक्ति बांछा जब तो असंख्य तार लेखा, बोले वो क्या है, बोले निषिद्धाचार। निषिद्धाचार मतलब क्या, बोले भक्ति जगत में जो बाधा देने वाले, जैसे चार चीजें है, जुआ नहीं खेलनी चाहिए, किसी तरह का नस्ली वस्तु सेवन मत करो, है दुतम पानम स्त्रियम, बोले अवैध रूप में पुरुष स्त्री स्त्री पुरुष से नहीं मिलनी चाहिए, और मांस मछली अंडा प्याज लहसुन ये सब चीज को हमें ग्रहण करनी नहीं चाहिए। और कुटीनाटी, बोले कुटीनाटी क्या है, बोले कुटीनाटी मतलब होता है कपटता, बोले कपटता मतलब क्या, हम तो ऊपर में अपनी आप को एक तरह से दिखा रहे हैं लेकिन अंदर में और कोई चीज है, इसको कहते कुटीनाटी है। इसलिए प्रभुपाद कहते जो कुटीनाटी ये बड़ी खतरा चीज है, जब तक हृदय को भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अंतर बाहिर सम व्यवहार, मतलब तुम बाहिरे जैसे दिखा रहे हो अंदर में भी ऐसे होनी चाहिए, ऐसे नहीं बाहर लोगों को दिखाने के लिए एक रूप दिखा है लेकिन अंदर में दूसरे चीज सोच कर बैठा हुआ, कभी ये कपट व्यक्तियों का प्रभुपाद कहते कभी इनका कल्याण हो ही नहीं सकती। भक्ति होनी चाहिए जैसे सरल शिशु, एकदम सरल शिशु जैसे भक्ति होनी चाहिए। अब देखना एक छोटे बच्चे को जो गोद में लेना उसको तरफ में चले जाता है, उसी गोद में चले जाता है, उसको शत्रु मित्र भावना है ही नहीं, उसका शत्रु मित्र कोई नहीं, वो सबको मित्र मानते हैं। तो भक्ति एक सरल शिशु का जैसे मन पवित्र है और भक्ति ऐसे पवित्र भक्ति होनी चाहिए, हृदय में कोई कपट का मत रखो, जैसे बाहर दिख रहे हो अंदर में भी तुम्हारी ऐसे होनी चाहिए, नहीं तो कहते कभी प्रभुपाद कहते ऐसे व्यक्ति का कल्याण कभी होता ही नहीं है। इसलिए कहते कुटी नाटी, बोले जीव हिंसा, बोले जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, बोले जीव हिंसा मतलब वो दो चीज बताए, एक तो जैसे मांस मछली है ये जीव है इनको नहीं खानी चाहिए, अंडा पंडा नहीं करनी चाहिए, प्याज लहसुन नहीं खानी चाहिए, और जीव हिंसा मतलब प्रभुपाद कहते हैं जीव हिंसा उसको कहते हैं जो भगवान की शुद्ध भक्ति को प्रचार नहीं करते, लोग जैसे चाहते हैं उनके मनमानी जैसे बात करते हैं, अरे क्या होता है सब खाओ पियो ना। बंगाल में एक संप्रदाय है, हैं बोल भैया आत्मा को दुख कष्ट मत दो, आत्मा को अगर आत्मा चाहता है मांस मछली खाने के लिए खाओ, हैं मांस मछली सब खाओ, आत्मा जो चाह रही है ना उसको ही सब कुछ खिलाओ, हैं ऐसे कुछ संप्रदाय का लोग, उसमें कोई ये नहीं मांस मछली खाओ जितने गलती काम करो और क्या करो भगवान की भजन करो, ऐसे कुछ संप्रदाय भी नहीं, नहीं ये प्रभुपाद कहते नहीं, जीव को शुद्ध भक्ति की बात बतानी चाहिए, जो व्यक्ति जीवों को शुद्ध भक्ति की बात नहीं बताते हैं कहते वो जीव हिंसा है। जीव कौन है, ईश्वर अंश जीव अविनाश, जीव भगवान की सेवक है, जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम सबके सब भगवान की नित्य सेवक है, ठाकुर का नित्य सेवक है, हमारा कर्तव्य क्या, बोले भगवान की सेवा करना हमारी कर्तव्य, यही हमारी धर्म है, हैं यही धर्म है, इसलिए ये धर्म को छोड़ करके और जितने धर्म है कभी ये सबके सब जीव हिंसा है। जो जगत में बहुत सारे धर्म है, हैं जगत में बहुत सारे मतवाद है, कभी नहीं केवल भगवान की शुद्ध भक्ति की ही प्रचार करनी चाहिए, इसको जो नहीं बोलते वो सबके सब जीव के ऊपर में हिंसा करते, क्यों भक्ति मार्ग को छोड़ करके उनको दूसरे मार्ग दिखा रहे हैं। इसलिए कहते जीव हिंसा, बोलते लाभ पूजा प्रतिष्ठा जब तो उपसखागण, अरे लाभ पूजा प्रतिष्ठा है, इसलिए लाभ पूजा प्रतिष्ठा मतलब क्या है, जगत में हमारा बड़ा नाम सुनाम हो, जगत में सब हमारा वाह वाह करे, हैं सारा दुनिया हमारी पूजा करे, सारा दुनिया हमारी प्रशंसा करे, दुनिया में हमारी बड़ी ख्याति हो, कभी ये चीज भी कभी कभी भक्ति में ये भी कभी कभी हानिकारक है।
उसमें क्या होता है, फिर तुम्हारी जो भावना है बस वही लाभ पूजा प्रतिष्ठा दुनिया हमें है, खूब महिमा गाए, खूब ताली बजाए, खूब हमारी प्रशंसा करे, उसमें क्या होता है, जीव उसमें फिर फंस जाती, जीव उसमें फंस जाती। इसलिए महाप्रभु जब गुंडीचा मंदिर मार्जन कर रहे थे ना, महाप्रभु उसमें जो थोड़ा थोड़ा दाग रह गया, पहले तो पानी से धो दिया, झाड़ू झाड़ू लगा के पानी में धो दिए, फिर उसमें जो थोड़ी थोड़ी दाग रह गया, महाप्रभु अपना कपड़े को लेकर घिस घिस कर साफ कर रहे थे। वो दाग क्या है, बोले हृदय में जो दूसरे भगवान की भक्ति को छोड़ करके जो दूसरी दूसरी जो भावना हृदय में, इसको भी घिस घिस करके इसको भी निकाल दो है। इसलिए कहते जब इस सब चीज को हम निकालेंगे फिर भक्ति लता क्या होगी, फिर धीरे 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 ये भक्ति लता बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, कहाँ बढ़ते जाएगी, ठाकुर जी के चरण पे बढ़ जाएगी। अगर ये सब चीज आ जाए ना फिर तो ये भक्ति आगे और बढ़ नहीं सकती। इसलिए कहते हमें सावधान होकर के भक्ति राज्य में, सावधान होकर के भक्ति राज्य में हमें चलनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में फिर महाप्रभु क्या कहते हैं कल सुनेंगे, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की हिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,